मैं अपना अगर परिचय की बात करूं तो मेरा शॉर्ट नाम भी फेमस है, एम राज के नाम से लोग जानते हैं। पूरा नाम की बात करें तो मुकेश राज। एजुकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट 2016 में 2 साल छोड़ के किया था। और प्रोफेशन की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर में 2009 में मैं कदम रखा था, और 2009 से अभी तक की अगर बात करें तो 11-12 साल हो गए हैं। और इतना दिन मेहनत करने के बाद टीचर एक एक शिक्षक हमारे देश में देश के विकास के लिए कितना बड़ा मतलब अहम योगदान देते हैं, शिक्षित लोग बखूबी भली भांति और डीपली समझ सकते हैं। और मैं खुद की बात करूं तो ईश्वर का वरदान है या अभिशाप जो कहिए, एक पैर से दिव्यांग भी हूं, बट वो मुझे कमी महसूस आज तक नहीं हुआ है, ये मैंने आंतरिक रूप से फीलिंग किया है। तो अभी अगर बात की जाए अपने सेल्फ की बात तो नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड अर्थात इस कंपनी को मैं ज्वाइन किया था 6 दिसंबर 2019 को, और मैं ये बता दूं कि दोबारा से ज्वाइन किया था। कहने का मतलब 25 मई 2016 को मैं इस कंपनी में ज्वाइन कर रखा था। यादव सर से फेमस कोई व्यक्ति थे जो बंगाल के थे, बिहार में आके काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे 6000 का परचेजिंग करवाया था। और उसके अलावा मतलब चूँकि एजुकेटेड लोग कोई भी पॉइंट को तुरंत समझ जाते हैं, तो हम और हम ऊपर से मान लीजिए कि डायरेक्टर आप कह सकते हैं, 10 स्टाफ मेरे अंदर काम कर रहा हो, वो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, गवर्नमेंट जॉब में कर रहे टीचर, प्राइवेट जॉब से काम कर रहे हो, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए काम कर रहे थे। तो मैंने उसको ज्वाइन किया क्योंकि मुझे नेटवर्क में बड़ी कैरियर नज़र आई, बट मुझे लगता है कि वहाँ पे सीनियर का सही सपोर्ट, सही गाइडलाइन नहीं मिलने की वजह से लगभग 2016 खत्म होते होते 6 महीना होते होते मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कैसे हुआ मुझे खुद भी पता नहीं चला। फिर अर्जुन सर से मुलाकात हुई यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट पे, तो अर्जुन सर यहाँ पे आए थे तो उस समय में विशेष बातचीत हमारे साथ नहीं की, उन्होंने सीधा कहा कि मुझे यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, किसानों को जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे मीटिंग रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, जैविक खेती की बात अगर किसानों के बीच गोष्ठी रख के अगर की जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से जो खेती होती है वो किसी भी एंगल से अगर देखा जाए फायदेमंद नहीं है, न मिट्टी के स्वास्थ्य पर फायदेमंद है, न हमारे शरीर मनुष्य के लिए, और ना ही मवेशी के लिए, और ना ही पर्यावरण के लिए। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया मतलब बात होगी, फिर भी मैंने क्योंकि स्वार्थ सब जगह छिपी हुई है ना, तो स्वार्थ छिपी होने की वजह से मैंने कहा सर एक दिन आप रूम का किराया लेंगे तो आपको मैं 500 रुपये लूँगा। तो उन्होंने कहा सर शुरुआत है कम कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर 300 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बिजली रहेगा, ये रहेगा, ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा, तो आपको 300 रुपये मिनिमम देने होंगे। उन्होंने संडे संडे शुरुआत किया और लगभग 3 संडे को हमें 300-300 रुपये वो दिए भी, मैंने लिया भी, बट चौथे संडे को क्या उनके ब्रेन में आया क्या नहीं आया पता नहीं, उस दिन जब हो गया मैं फ्री था तो उन्होंने कहा कि सर आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आधे घंटे का आप टाइम देंगे। मुझे भली भांति याद है कि उस दिन मतलब मैं ऑटो भी चलाता हूँ और स्कूल में जो इमरजेंसी सेवा में बच्चों को गाड़ी पे बैठा के घर तक भी छोड़ देता हूँ, क्लास में पढ़ा भी लेता हूँ, मैनेजिंग भी करता हूँ, टीचर का भी काम करता हूँ, ड्राइवर का भी काम करता हूँ, एक पैर के होने के साथ भी होने के बावजूद भी मैं अगर सच पूछे तो ऊपर वालों ने मुझे सर्वगुण संपन्न बनाया। पता नहीं क्यों मुझे अपने आप में ऐसा आभास होता है, और है भी आप दिखाई। तो दोस्तों आगे अगर बात की जाए तो मैं अब ज्वाइन किया हूँ तो दोबारा से ज्वाइन करने के बाद भी मुझे बेहद बहुत ज्यादा परेशानी अभी तक आई है। परेशानी की बात नहीं करूंगा क्योंकि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज सक्सेसफुल एंडिंग, एक बड़ा स्टेटमेंट है जिसका हिंदी भावार्थ की बात की जाए तो उसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो दुनिया में सफल हुआ है उसके सफलता के पीछे एक दर्दनाक कहानी है, और वही व्यक्ति सफल बनते हैं जो दर्दनाक कहानी को झेल करके एक अपनी कहानी जो है अपने आप में यूनिक बना लेते हैं, स्ट्रगल कर लेते हैं, वही व्यक्ति सक्सेस हो सकते हैं। और हर सफल व्यक्ति का जो मुकाम है वो सफल मतलब दर्द के अंतिम मुकाम पर सफलता मिलती है, मतलब स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी भाई साहब, विदाउट स्ट्रगल नो अचीवमेंट,
दुनिया की कोई शक्ति आपको लिख के कह नहीं सकता या बोल नहीं सकता कि आप जुड़ जाओ मैं आपको सफल बना दूंगा। जो लोग यहाँ सफल हुए हैं उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है उतनी स्ट्रगल मुझे भी करनी होगी, आपको भी करनी होगी। इस कंपनी में जो भी व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है वो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। यस या नो? यस। तो मैं विशेष नहीं कहूंगा और लेकिन इस बार मैंने अपने आप में कमिटमेंट किया है कि सीनियर साथ दे या ना दे, ना दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता भाई साहब। अभी हमारे बीच में जो भी सीनियर सर है मैं दो पल के लिए क्षमा चाहूंगा सर, लेकिन मेरा अपने अंदर की मतलब भड़ास था तो लोग कहता है कि बीच में निकाल लो भाई साहब, तो भड़ास निकाल लो। लेकिन सपोर्ट अब जितेंद्र सर का मुझे सख्त सपोर्ट की जरूरत है। मैं लाइव बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर जितेंद्र सर का साथ मिल जाए तो 2020 में मेरा कैपिंग मिशन निश्चित रूप से। तो बस इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। गलती सलती जो भी अगर बुलाया हो तो क्षमा करेंगे। तरह की जानकारी नए नए टॉपिक्स को इसी प्रकार के टॉपिक्स को आपके बीच लेके आया करूंगा हर बार हर दिन। तो आप देखते रहिए यूथ नेटवर्क कैरियर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक।